जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल टॉक में। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन भी हो खुशहाल, तो सच्ची आत्मा से जय माता दी जरूर लिखे दोस्तों। कुछ सब्जियां खाने से व्रत टूट जाता है। अगर रख रहे हैं नवरात्रि व्रत, तो जाने क्या खाने से दिन भर बनी रहेगी एनर्जी। नवरात्रि 2023 मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का त्योहार बस कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है। मान्यता है कि सच्चे मन से देवी मां की पूजा करने पर सारी मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे लोग 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या खाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। इस साल यह त्योहार 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस पर्व में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं। हालांकि कुछ लोग व्रत के दौरान केवल पानी पीते हैं, तो वही कई लोग फल भी खाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग दिन में एक बार भोजन भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि व्रत के दौरान कौन सी चीजों का खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नवरात्रि का 9 दिवसीय शुभ त्योहार बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। देश भर में भक्त इस त्योहार की तैयारियों में डूबे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि आमतौर पर हिंदू कैलेंडर महीने के आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जो सितंबर या अक्टूबर के ग्रेगोरियन महीने में आती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पितृपक्ष के बाद 15 अक्टूबर को शुरू होगी और 24 अक्टूबर को महानवमी के उत्सव के साथ समाप्त होगी। इन दिनों में मां देवी दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करने से लेकर 9 दिन के व्रत रखने तक भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं। व्रत रखते समय भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन 9 दिनों में कई नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए, खास तौर से खाने पीने पर। कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो फूड आइटम्स जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान करना चाहिए और किन फूड आइटम्स का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 शुभ दिनों के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से परहेज करना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाने से परहेज करना चाहिए। ये शरीर और दिमाग के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, चिकन, अंडे जैसे नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक आहार लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में ये चीजें खाई जा सकती हैं। साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू की पकौड़ी, कसूरी आलू और कुट्टू पूड़ी, लौकी का हलवा, कुट्टू का हलवा, राजगीरा की खीर और रोटी, सिंघाड़े की खड़ी, मखाने, नट्स, तिल के लड्डू। नवरात्रि के 9 दिनों में ये चीजें नहीं खानी चाहिए। गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, मकई का आटा, सभी प्रकार की फलियां और दालें, नियमित नमक, हल्दी, करी पाउडर, धनिया, सरसों, राई, शराब, अंडा, मांस। 9 दिनों का व्रत रखने जा रहे हैं तो नोट कर लें, ये 5 मखाना रेसिपी खाने में है बेहद लजीज। देवी दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक पूरी भक्ति दिखाते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत में शुद्ध शाकाहारी भोजन खाया जाता है, जिसे सात्विक भोजन भी कहते हैं। शरद नवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा है और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। शरद नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, इस साल 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेगी। यह 9 दिवसीय त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसमें उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक पूर्ण भक्ति और उपवास दिखाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, जिसे सात्विक भोजन भी कहा जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान आप कुट्टू, आलू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध, दही और साबूदाना जैसे खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। सूखे मेवों को भी खाया जा सकता है। इसके अलावा व्रत में पनीर और मखाना को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मखाने का उपयोग नवरात्रि उपवास के दौरान कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए किया जा सकता है? यहाँ हमने कुछ भारतीय व्यंजनों की लिस्ट बनाई है जो नवरात्रि के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।
नवरात्र के व्रत में भूख और हेल्थ की टेंशन जाएं भूल, खाएं ये 5 मिलेट्स शारदीय नवरात्रि रविवार यानी 15 तारीख से शुरू हो गई है। कई लोग नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक फलाहारी व्रत रखते हैं, तो वहीं कई लोग रात्रि के समय एक बार भोजन करते हैं। ऐसे में यहां जाने 5 ऐसे मिलेट्स जिसे आप उपवास में खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं। नवरात्र में लोग मां दुर्गा से उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। 9 दिवसीय नवरात्रि उपवास 15 से 23 अक्टूबर तक चलेगा। शरद ऋतु के दौरान अश्विन के चंद्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। कई लोग नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक फलाहारी व्रत रखते हैं, तो वहीं कई लोग रात्रि के समय एक बार भोजन करते हैं। दरअसल 9 दिनों तक उपवास रहने से लोग थोड़ा कमजोर महसूस करने लगते हैं, तो आइए बताते हैं आपको कि इस नवरात्रि आप ऐसा कैसे और क्या खाएं जिससे आप व्रत में भूख और हेल्थ की टेंशन भूल को जाएं। देश भर में शक्ति की प्रतीक कही जाने वाली माँ भगवती के लिए नवरात्र महोत्सव आरंभ हो गया है। इस दौरान 9 दिनों तक भक्त माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करेंगे और व्रत आदि करेंगे। अगर आप भी माँ भगवती के लिए 9 दिन के व्रत कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेहत को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। एक व्रत की तुलना में 9 दिन के व्रत काफी कष्टकारी होते हैं, क्योंकि इस दौरान खान पान काफी अव्यवस्थित हो जाता है। नवरात्रि के दौरान कुछ सब्जियां खाने से व्रत टूट जाता है। ये सब्जियां हैं प्याज, लहसुन, मांस, शराब, अंडा। नवरात्रि के दौरान इन चीजों से भी बचना चाहिए। नियमित आटे जैसे गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, मकई का आटा और सभी प्रकार की फलियां और दालें, नियमित नमक, हल्दी, करी पाउडर, धनिया, सरसों, राई नवरात्रि के दौरान ये चीजें खाई जा सकती हैं। कुत्तू, आलू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध, दही, सूखे मेवे नवरात्रि के दौरान ये चीजें खाई जा सकती हैं। सब्जियां, आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू और पालक दूध और डेयरी उत्पाद, दूध, घी, दही, पनीर और खोया आटे, कुत्तू, साबूदाना, सिंघाड़े, अरारोट, राजगीरा और समा चवाल फल, केला, सेब, तरबूज, पपीता और अंगूर अन्य, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, नींबू का रस, मखाने, नट्स और तिल के लड्डू नवरात्रि के दौरान ये चीजें पी जा सकती हैं। नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्क शेक, छाछक। नवरात्रि के दौरान इन चीजों का दान भूल के भी नहीं करना चाहिए। लोहा, कमल का पुष्प, जौ से बनी चीजें, इसके अलावा इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। काले रंग के पदार्थ, लकड़ी और फर्नीचर तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल, भैंस या काले रंग की गाय, काला कुत्ता, नीले भूरे रंग के पदार्थ, फटी हुई किताबें या ग्रंथ, नुकीली चीजें। हाँ, नवरात्रि के दौरान कपड़े दान किए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपड़ों का दान करने से दरिद्रता का नाश होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को वस्त्र का दान किया जा सकता है। इस दौरान पुराने कपड़ों के बजाय नए कपड़ों का दान करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान इन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। धन, कपड़े, भोजन, लाल चूड़ियां, खिलौने, नवरात्रि के दौरान इन चीजों का दान करना अशुभ माना जाता है। लोहा, कमल का पुष्प। नवरात्रि में पूजा पाठ न करने पर भी एक काम जरूर करना चाहिए। यह काम है माता रानी की पूजा उपासना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना, किसी की बुराई न करना, अपशब्दों का इस्तेमाल न करना, झूठ न बोलना। नवरात्रि में ये काम भी करने चाहिए। भक्ति और प्रार्थना, सात्विक भोजन, हाइड्रेट रहना, सेंधा नमक सफाई का ध्यान रखना, फल से उपवास खोलना, ध्यान, मंत्र जाप और दान, नवरात्रि में ये काम नहीं करने चाहिए। किसी भी महिला या कन्या का अपमान करना, घर के छोटे बच्चों पर क्रोध करना, धूम्रपान, शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, लहसुन प्याज और मांस मछली का सेवन करना। 23 अक्टूबर को कन्याओं को गलती से भी एक चीज नहीं खिलानी चाहिए। 22 अक्टूबर को अष्टमी
और 23 अक्टूबर को नवमी रहेगी। जहां पर अष्टमी के दिन पारण होता है वहां पर, और जहां पर नवमी के दिन उपवास खोला जाता है वहां पर कन्या भोज और पूजन होता है। कन्याओं को खुश करने के लिए कुछ भेंट इत्यादि देने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि नव दुर्गा स्वरूप को प्रिय श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी या चूड़ी वगैरह देना शुभ होता है। नवरात्रि में कन्याओं को अष्टमी या नवमी तिथि को भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि 9 कन्याओं को माता दुर्गा के 9 रूप मानकर पूजा जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कन्या पूजन की विधि, कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाया जाता है, उनके पैर धुलें और उसे पहुंचने के बाद स्वच्छ आसन पर बिठाएं, विधि विधान से पूजा करें, उन्हें खीर हलवा चना पूड़ी आदि खिलाएं। कन्या पूजन के बाद उन्हें जाते समय कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट या धन दें। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कोई फल प्रसाद के तौर पर देना चाहिए। अगर कन्याओं को केला या नारियल दिया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं खीर पूड़ी, काला चना, सूजी का हलवा, बादाम का हलवा, देसी घी की जलेबी, मिठाई, सब्जी पूड़ी। कन्याओं को भोजन में एक फल जरूर देना चाहिए। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है। चुनरी, चूड़ी, हेयर पिंस, स्टेशनरी, टॉयज, कन्या भोजन का महत्व। नवरात्रि में कन्याओं को माता दुर्गा का रूप माना जाता है। कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी प्रसन्न होती है। कन्या पूजन से माता रानी मनवांछित फल प्रदान करती है। कन्या पूजन से घर का वास्तु दोष दूर होता है। कन्या पूजन से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। 4 साल की कन्या का पूजन करना घर में सुख शांति के लिए बेहद शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। अगर नवरात्रि में कन्याएं नहीं मिलती हैं तो ये उपाय किए जा सकते हैं। कन्या के नाम से पूजा में सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीजें रखकर पूजा करें। छत पर पक्षियों के लिए माँ को लगाए भोग का अंश रखें। गौ माता को प्रसाद दें। कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 1 बालक को भी भोजन के लिए न्योता देना चाहिए। बटुक के बिना कन्या पूजन अधूरा माना गया है।